Hey guys, welcome back to my channel. और आज मैं अपने YouTube चैनल पर कुछ अलग करने वाला हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने Instagram पर एक पोल डाला था क्वेश्चन आंसर का, तो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब देने वाला हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बात कम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज? मुझे एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन, बहुत बार मैंने क्लियर किया है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। अभी नहीं विश्वास हो रहा तो मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखा दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे, व्हाट्स योर हाइट? माय हाइट इज 5'9", 5 feet 9 inches tall। रेसिडेंस ऑफ पढ़ाई लिखाई में मिर्जापुर का नाम सुना? आईएएस बनो और मिर्जापुर वेब सीरीज तो देखा होगा, वही मेरा, उधर ही रहता हूं मैं, बनारस के पास में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू वर्कड ऑन योर वॉइस और इट इज नेचुरली दैट? थोड़ा बहुत काम किया है आवाज पे, और नेचुरली अगर कहा जाए तो था, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना मेहनत से कोई चीज़ ठीक होता है, तो थोड़ा बहुत मेहनत किया और फिर नेचुरल चीज़ों को मिलाकर बढ़िया कर लिया थोड़ा बहुत। एवर ट्राइड सिंगिंग? बहुत बार, मतलब मत ही पूछो, मैं अपने आप को आतिफ असलम समझने लग जाता हूँ जब मैं गाता हूँ तो, लेकिन जब मैं दूसरों को सुनाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कहाँ गाने लायक हूँ। खैर, हाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं गाता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कि लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड कहेंगे, यार इसके अंदर इसको गाने भी आते हैं, इसको ये भी आता है, बस इसलिए गाता था, लेकिन मुझे आता नहीं है, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ बस। क्रश्ड ऑन समवन? हाँ क्रश तो नहीं, अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर क्रश की बात पूछा जाए तो मुझे जैकलिन फर्नांडिस पे क्रश है, बिकॉज शी लुक्स वेरी प्रिटी, और उसका नेचर भी उनका बहुत पसंद है मुझे, जो वो दिखती हैं, मतलब डबल फेसेस लोग होते हैं ना, वैसी नहीं है, मतलब एक चेहरा जिनके पास होता है वैसी हैं वो, तो है थोड़ा बहुत, और ऐसे किसी पे नहीं है और ज़्यादा क्रश भी नहीं है। योर फेवरेट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हाँ ये दिस वॉज नाइस क्वेश्चन। मेरा फेवरेट मोमेंट 14 अप्रैल, एक गुरुजी थे, मेरे को एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा कीड़ा है अभी मेरे अंदर, मुझे एक्टर ही बनना है फ्यूचर में। तो एक मेरे गुरुजी थे, उनके घर पे एक सर आए थे जो कि NSD के डायरेक्टर थे, इंडिया का जो टॉप स्कूल है एक्टिंग का, बेस्ट स्कूल, वहाँ के डायरेक्टर थे, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि बेटा आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो कर लोगे, मैं जहाँ बोलो वहाँ लिख के दे देता हूँ। That line was giving me goosebumps. अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को goosebumps आ रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनके मुँह से ये बात निकली, वो भी मेरे लिए, तो that was the best moment of my life. और ऐसे तमाम हैं छोटे बहुत, लेकिन उससे बेहतर moment कभी नहीं मिला। Who do you look for an inspiration and why? I look for an inspiration to my dad. क्योंकि एक्टिंग का शौक मेरे पापा के अंदर से आया, क्योंकि पापा को भी एक बार फिल्म के बारे में, पापा को स्क्रिप्टिंग वगैरह आई थी, पापा जा नहीं पाए। लिखने का बोलने का शौक पापा के अंदर से आया, क्योंकि पापा भी पहले यही किया करते थे, लिखा करते थे, बोला करते थे, तो कहीं ना कहीं वो अंश मेरे अंदर है, इसलिए मैं अपने पापा को इंस्पिरेशन मानता हूँ। आफ्टर माई डैड आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड मी माई सेल्फ माई इंस्पिरेशन, क्योंकि खुद का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एम टू बी? एज आई टोल्ड यू माई एम टू बी एन एक्टर, hey व्हाट्सअप लव यू ऑल, ये वाला वो एक्टर नहीं, मतलब अच्छा एक्टर, एक अभिनेता के तौर पर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, तो दिस इज माई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू चूज मोटिवेटिंग पीप्स ऑन टिकटॉक रैदर दैन लिपसिंग एंड डूइंग स्टफ विच अदर डू? जो लोग कहते हैं ना कि भीड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा अलग अपना पहचान बनाना चाहिए, तो जब मैंने मोटिवेशनल स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं एक मैं सिंगल बंदा था स्टोरी टेलिंग करने वाला, जो 1 मिनट मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता था, और ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं जो लिखता था मैं चाहता था कि लोगों तक पहुँचे, कहीं ना कहीं लोग मुझे सुने, और मेरी आवाज़ की भी प्रैक्टिस होगी, और मेरा ऑडियंस फियर भी ख़त्म होगा, कैमरा फियर ख़त्म होगा, तो इसलिए मैंने बनाना शुरू किया और बहुत मज़ा आता था, तो आई स्टार्टेड दिस कि मैं खुद की आवाज़ में कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू प्लान टू बी दिस फेमस और इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन? हालांकि अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं फेमस हो जाऊँ, मैंने बस ऐसे ही दो वीडियोस डाले थे, मतलब वो करता था डांसिंग वांसिंग लिपसिंग वंपसिंग पहले ऐसे टाइम पास के लिए करता था, लेकिन जब मोटिवेशन वीडियोज डालने स्टार्ट किए तो
दो वीडियो के बाद ही मेरी पहली वीडियो वायरल हो गई और आई गॉट 1 million प्लस व्यूज और आई वॉज लाइक ओ गॉड हाउ इट हैपेंड. तो वो मेरे लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद मैंने स्टॉप नहीं किया, मतलब मैंने सोचा कि अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर मैंने रोक दिया तो इसमें मेरा लॉस है और मैं स्टार्ट कंटिन्यू करता गया. फिर 0 million से आज 7 million तक की जर्नी जो मैंने कंप्लीट की है, ये सब आप लोगों की वजह से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू प्रिफर कॉलिंग और टेक्सटिंग? एज ऑलवेज आपको भी पता होगा कॉलिंग पे जो इमोशंस आते हैं ना, आए हाय हाय वो वाला, हाय कैसे हो, अच्छा हूँ, मतलब वो जो फीलिंग आती है ना कॉलिंग वाली, कमाल की फीलिंग होती है. तो कॉलिंग इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ टेक्सटिंग से बेटर, क्योंकि टेक्सटिंग पे वो जो हाय हेलो भेजने में वो फील नहीं आता. आप भी यही करते होगे अक्सर मेरे ख्याल से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन यू आर रियली क्लोज टू ऑन टिकटॉक. तो ऑन टिकटॉक मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ आप सबको भी, बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे. तो मैं बता दूँ कि The one and only Saloni Singh. I love her. I admire her. And she is one of, not one of, she is my good friend on TikTok. And if Saloni, you are watching this video, you are very good in my life. Mein. Thank you so much for being in my life. And we are very good friends. Next question. I heard of you being single. Why so? Did you ever fall for a girl? हाँ, दिस इज़ नाइस क्वेश्चन बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि लोग बोलते कि आप सिंगल हो क्या, लोग पूछते हैं मेरे से. मैं देखता हूँ कि मैं कभी मिंगल हो सकता हूँ या मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, नहीं ना. हाँ, मैं ऑब्वियसली सिंगल हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने फ्यूचर पर फोकस कर लूँ. ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड लड़कियाँ पटाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार व्यार प्यार, प्यार मोहब्बत करना, ये अभी मेरी उम्र नहीं है. मतलब उम्र कह सकते हैं कि मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में. और प्यार करता हूँ तो मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप लोग से बहुत करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू द सेम यू सीम टू बी ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स? हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे हाँ थोड़ा बहुत हर शख्स अलग होता है, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा चेंज है. मतलब पर्सनल लाइफ में कोई इतना भी चाणक्य नहीं होता, मतलब चाणक्य जी जो थे वो तो थे ही, मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतना चाणक्य नहीं हूँ जितना मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ. हालांकि हाँ, मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ हमेशा, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा फनी नेचर का हूँ, मस्ती खोर टाइप का हूँ, अभी आपको पता चल रहा होगा मेरे से बात करने में. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हूँ मैं. मैं मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट तो करता हूँ, खुद भी मोटिवेट रहता हूँ, लेकिन बहुत सीरियस नहीं रहता. लोगों को लगता है कि मैं हमेशा ज्ञानी बाबा टाइप ऐसे बैठ के सीरियस रहता हूँ. लोग मुझे बाबा बुलाया करते थे जब मैं स्टार्टिंग में मोटिवेशनल स्टार्ट किया था, तो ऐसा सीन होता था. लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा फनी नेचर का भी हूँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बिगेस्ट टर्न ऑन. माई बिगेस्ट टर्न ऑन, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी एंड सिंप्लिसिटी. ये तीन चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इंसान थोड़ा सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा दिखावे वाला नहीं, ईमानदार होना चाहिए और ऑनेस्टी थोड़ा होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए थोड़ा. अगर सामने जिसे जो मुझे टर्न ऑन कर सकता है, तो सामने वाला शख्स मेरे लिए थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, काम के लिए पैशनेट होना चाहिए. और जो काम के लिए पैशनेट होता है ना, उससे मेरी इतनी अच्छी बनती है, आई कांट टेल यू. और जो मस्तीखोर होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए बनती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम समथिंग यू हेट अबाउट फ्रेंडशिप एंड समथिंग विच यू टोटली लव. वॉट आई हेट, फेक फ्रेंडशिप, धोखेबाज दोस्त मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो आपके मुंह पे आपके, मेरे मुंह पे मेरे, उसके मुंह पे उसके, आई हेट देम ऑल. वॉट आई लव, ऑनेस्टी, जो ईमानदार होते हैं. जिंदगी में कई बार हमें ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बहुत सारी बातें हम अपने मॉम डैड से शेयर नहीं कर पाते, तो कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी फीलिंग्स बता सके. तो मेरे को ये अच्छा है कि एक दोस्ती में ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. व्हाट आई लाइक, हैव यू एवर पीड द पूल? बहुत बार यार, मैंने बहुत बार किया है. जब मैं वाटरफॉल में नहाया करता था, मैं स्विमिंग पूल में बहुत कम नहाया हूँ, एक ही दो बार, लेकिन वाटरफॉल में जब हम लोग पिकनिक पे जाया करते थे, तो मैं बहुत बार किया हूँ. इवन आई कैन टेल यू, आई फार्टेड इन अ पूल ऑल्सो. मतलब That was ridiculous moment for me. मैं frankly सारी चीज़ें बता रहा हूँ. Next question. Sorry if I tell you, but मेरे दिल में जो था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जो जो मैंने किया वो मैंने बता दिया. Are you bathroom singer? No, I am concert singer. मैं concert करता हूँ. Bathroom singer क्या होता है?
मैंने सुना भी नहीं है। बचपन से ही मैं कॉन्सर्ट करते हैं और पेट में था तो पेट में ही मैं मम्मी के कॉन्सर्ट किया करता था। सब बाथरूम सिंगिंग करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं था क्योंकि मुझे पता रहता था कि मेरे मॉम डैड मुझे बाथरूम के बाहर भी सुन रहे हैं, तो आई डोंट डू बाथरूम सिंगिंग बहुत कम। लेकिन जहाँ जब घर पे कोई नहीं रहता तो मैं अपने आप को आतिफ असलम समझ लेता हूँ, बहुत गाता हूँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर क्राइड बिकॉज यू मिस योर पेरेंट्स? हाँ, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था और मुझे खाना वगैरह खुद से बनाना पड़ता था तब मुझे मम्मा की बहुत याद आती थी। कि एक मम्मी जब घर पे मैं रहता था तो मम्मी हमेशा खाना बना के खिलाती थी मुझे, और वहाँ पे खुद से बनाना खुद से सब कुछ करना, तो तब जाके मुझे माँ की अहमियत समझ में आई थी, परिवार की अहमियत समझ में आई थी। सो मैं उस टाइम बहुत मिस किया हूँ, और ज़्यादा ऐसे मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं मिस किया क्योंकि शुरू से अकेले रहा हूँ तो हॉस्टल टाइम में बहुत ज़्यादा। क्रेजीएस्ट फैंटेसी ऑफ योर्स? क्रेजीएस्ट फैंटेसी कि एक ऐसा शख्स मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जोर से गले लगाऊं और वो उसे बुरा भी ना लगे, मतलब ही विल बी लाइक कूल चिल पिल, आई लव इट, दिस इज माय फैंटेसी। आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटेसी एग्जैक्टली, मेरे नज़र में फैंटेसी है ये, मेरी यही फैंटेसी कि एक ऐसा शख्स जिससे मैं जोर से गले लगा के अपनी सारी बातें कह सकूं। आई वॉन्ट दैट पर्सन, मतलब ये फैंटेसी नहीं, दूसरा भी आंसर हो गया। हालांकि क्रेजीएस्ट प्रैंक यू एवर प्लेड ऑन समवन? I played the worst prank ever, not a craziest. मैंने अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल फूल्स वाले दिन अपने दोस्तों को बहुत गंदा बेवकूफ बनाया था। कुछ को मैंने बोला कि सुनो हमें यहाँ चलना है, एयरपोर्ट पे आ जाओ, वो बंदा अपना सारा कुछ पैकिंग वैकिंग कर लिया, अपनी दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करा ली, सब रेडी हो गया, अब वो रेडी होके घर से निकलने लगा कि चलो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा भाई देख ना, वैसा एक काम कर, वहाँ तेरे घर के बाहर एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ कुछ लिखा है क्या? सब बोला नहीं, क्या? तो देख वहाँ लिखा होगा अप्रैल फूल्स। He was like, what? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब वो बंदा दो घंटे तक एक्साइटमेंट के साथ पैकिंग कर रहा था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, वो भी फ्लाइट से फलाना ढमकाना जो भी, और जब बाद में उसको पता चला, मतलब वो गाली नहीं दे सका बस और कुछ नहीं, वरना बहुत गंदा प्रैंक किया था। कुछ फीमेल फ्रेंड्स को मैंने अपने बहुत गंदा बेवकूफ बनाया था, मैं बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसे आ जाओ, यहाँ मिलता हूँ मैं ऐसे वैसे, वो लोग आ गए, फिर मैं बोला देखो यहाँ लिखा होगा अप्रैल फूल्स, दे वर लाइक हाँ क्या अप्रैल फूल्स। तो ऐसा मैंने किया है बस एक ही बार, उसके बाद नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील स्टेइंग एट होम नाउ? आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट, तो हम ज़्यादा घर में ही रहते हैं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, सो दिस क्वारंटाइन इज नॉट न्यू फॉर मी, इट ऑलवेज हैपन्स, मैं हमेशा घर में रहता हूँ तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता ये क्वारंटीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, आई एम ऑलवेज बी एट माई होम। एवर फेक बींग सिक टू स्कूप स्कूल? हाँ, बहुत बार स्कूल जाने के सबके बहाने होते हैं यार, बचपन में मैंने भी बहुत ज़्यादा किया है। हालांकि मैं ऐसा भी किया करता था कि जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता था तो मैं बाथरूम में चला जाता था, टॉयलेट चला जाता था, और मैं निकलता ही नहीं था। मम्मी बुलाती थी, बेटा आ जा, स्कूल जाना है, स्कूल लेट हो रहा है ये, मैं कहा मम्मा पेट दुख रहा है ये हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार मम्मा ने तो एडजस्ट कर लिया, चलो तीन बार नहीं गया, चौथी बार मम्मा को आइडिया लग गया कि ये हमेशा बहाने बनाता है। मम्मी बोलती थी तू लेट आ, 9 बजे आ, चाहे 10 बजे निकल टॉयलेट से या 11 बजे निकल, तेरे को स्कूल जाना ही पड़ेगा और मैं खुद छोड़ कर आऊँगी। और मम्मी मुझे स्कूल सच में छोड़ने जाती थी ज़बरदस्ती, और प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन भी लगाती थी, मुझे स्कूल में ही मार पड़ती थी, तो मैं ये करना बहुत कम कर दिया था, अदरवाइज बहुत ज़्यादा, बहुत तमाम कहानियाँ। द लास्ट थिंग यू डू एट नाइट, स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन दैट यू फॉलो? मेरे बाल तो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और मेरे स्किन भी ज़्यादा उतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पिंपल्स होते थे तो मैं पिंपल से केयरिंग करता था, तो अभी भी करता हूँ। मैं एक क्रीम यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, वेटनोवेट सी उसका नाम है, जो कि मैं रात में अप्लाई करके सो जाता हूँ, सुबह फेस वॉश कर लेता हूँ, जिससे मेरे पिंपल्स ख़त्म हो गए। और हेयर के लिए मैं अक्सर ऑयलिंग करता हूँ बालों में, और कहीं बालों में ऑयलिंग करता हूँ, जिससे मेरे हेयर ग्रोथ काफ़ी सही हो गए हैं, हेयर फॉल कम हो गए हैं, तो मुझे इससे हेल्प मिला। आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं 5 times इन अ वीक करता हूँ, लेकिन आप 2 times or 3 times कर सकते हो इन अ वीक। और ये क्रीम भी आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव पिंपल प्रॉब्लम, मेरे को स्किन पे बहुत सूट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वियर्ड है, मतलब इफ़ यू डाई बाय कोरोना वायरस देन व्हाट? पहले तो ऐसा हो ना भगवान, और इफ दिस हैपन तो मेरा एक यही चीज़ होगा कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ लेकर जाऊँगा, वो आप लोगों का प्यार, जो मेरे साथ मेरे मरने के बाद भी रहेगा, आप लोग मुझे याद करोगे,
ये मैं जरूर साथ लेकर जाऊंगा। तो बस ये था आज का सेशन, आज के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं वापस से पोल डालूंगा, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस तब तक के लिए आज का यही सेशन था, और याद रखना अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानने को मिला तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर जिसको बताना होगा मेरे बारे में, और सब्सक्राइब भी कर देना रिक्वेस्ट। और बस अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सब खैर, नमस्ते, मुआ।